जिमखाना येथे लोहरी या सणानिमित्त एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी लोहरीस अग्नी दिल्यानंतर गाणी, डान्स, मिमिक्री असे अनेक मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांची रेलचेल पाहायला मिळाली। सदर कार्यक्रमाचे आयोजन न्यू बॉम्बे पंजाबी असोसिएशनने केले होते। निसर्गाशी नाते जोडणारा असतो, त्यापैकी एक लोहरी हा सण प्रामुख्याने पंजाब मध्ये साजरा होतो। पंजाबी व्यक्ती नागरिक रोजी रोटीच्या निमित्ताने सर्वत्र अडळून येतात, मात्र आपला प्रांत सोडून ते जेथे जातात तेथेच आपली संस्कृती रुजवली जाते, त्यात लोहरी हा सण देखील आहे। संक्रांतीच्या अगोदर लोहरी सण साजरा केला जातो। यावेळी थंडी कडाक्याची असल्याने मोठी शेकोटी पेटवली जाते, ज्यामुळे वातावरणात उबदारपणा येतो। या मागे एक पौराणिक कथा असून राजा प्रजापतीची मुलगी सती योगाग्नी ही अग्नीमधून प्रकट झाली असे म्हटले जाते, त्यामुळे योगाग्नीचे प्रतीक म्हणून अग्नी पेटवला जातो। तसेच त्यानंतर एकत्र गोड भोजन घेतले जाते। कालानुरूप हा सण सार्वजनिकरित्या साजरा केला जात असून नेहरू जिमखाना येथे या निमित्ताने भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमात गाणी, डान्स, मिमिक्री असे मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होतात, शिवाय लॉटरीनुसार बक्षिसाचे वाटप देखील करण्यात आले। ये मैसेज ये देना चाहेंगे कि हम पंजाबी लोग सब आपस में एक हैं, एक आपस में मिलते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ाते हैं। बस इसके अंदर में हम लोग यही चाहते हैं कि सब मिलते जुलते रहें। यही एक सीजन है कि जहाँ हम लोग को एक लगता है कि डांस करने को मिला, किसी के साथ में कुछ माहौल में पहचान हुई, किसी की नई पहचान हुई, कोई और नए आदमी आ जाए। हमारे लोहड़ी का जो फेस्टिवल है काफ़ी पंजाब में काफ़ी माना हुआ फेस्टिवल है। यहाँ इसको बहुत ही प्यार से, जश्न से इसको मनाया जाता है। इसकी अहमियत सिर्फ यही है कि क्योंकि पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है, तो आज का दिन रात सबसे लंबी मानी जाती है और आज के बाद से ठंड ख़त्म होने का भाव होता है। हार्वेस्ट सीज़न भी यही है और यहाँ पे सारे फार्मर्स का, किसानों का न्यू ईयर एक तरीके से शुरू होता है, अकाउंटिंग ईयर भी उनका शुरू होता है। तो इसके लिए क्योंकि हम पंजाब से हैं और फार्मिंग हमारा बेसिक फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है,
उसके कारण हम ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग पंजाब से ओरिजिन करते हैं, लेकिन मुंबई में रहते हैं एंड मुंबई के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, क्योंकि ये लोहड़ी की रात होती है, वैसाखी की रात होती है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्रोग्राम्स में आने के लिए, क्योंकि हमें दूसरे पंजाबी लोग मिलते हैं, हमें अच्छा पंजाबी खाना खाने को मिलता है एंड पंजाबी गाने सुनने को मिलते हैं, म्यूज़िक सुनने को मिलता है एंड और भी हमारे बहुत फ़ायदे हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने हमारे मेंबर्स को बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया पूरे साल के लिए। हमारे और भी स्पॉन्सर्स हैं, एसके व्हील्स हैं, यहाँ का एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है रॉकविल, जिन्होंने हमारे मेंबर्स को ईयर लॉन्ग डिस्काउंट देने का वादा किया है, और बहुत सारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आगे आ रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है न्यू बॉम्बे पंजाबी एसोसिएशन की लोहड़ी की रात में। लोहड़ी प्रोग्राम जो है ये हमारा पंजाबियों का एक बहुत पुराना प्रोग्राम है। इसके लिए न्यू बॉम्बे पंजाबी एसोसिएशन कई सालों से बड़े ज़ोर से लगी हुई है इसको मनाने के लिए, क्योंकि ये जब सर्दी ख़त्म होती है और नया शुरू होता है तो उसके लिए मकर संक्रांति के हिसाब से लोहड़ी मनाया जा रहा है। इसके अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सोशल काम भी करती है, काफ़ी एनजीओ के काम भी करती है, और ये हमारा एक नेटवर्किंग भाईचारा बढ़ाने के लिए पंजाबियों की प्रेजेंस होनी चाहिए, और पंजाबी अपना कैसे सेलिब्रेशन करते हैं वो बताया जाता है। यावेळी संस्थेचे सेक्रेटरी सतीश सबलोक, अध्यक्ष हितेन शेट्टी, समन्वयक रवी गुप्ता, नवी मुंबई आवाजचे संपादक मोहिनुद्दीन जेड्डी, नवी मुंबई आवाजच्या ऍडमिनिस्ट्रेटर तस्लीम जेड्डी, वाशी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अजय कुमार लांडगे व अन्य मान्यवर उपस्थित होते।